रोने से क्या होगा, नसीब का लिखा भोगना ही पड़ेगा। तूने पहले मेरी नहीं सुनी और ठाकुर की बातों में आ गई, अब पछता रही है। तुम कल कल करते इतने दिन बिता दिए, बताओ इसका क्या होगा। तुम जानते हो तुम्हारे ठाकुर के बच्चे की माँ बनने वाली है। फिक्र क्यों करती हो चाची, ये माँ बनेगी और डंके की चोट बनेगी। वो कैसे, तुम्हारे ठाकुर दुनिया के सामने रंजना का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। अब तैयार है, मैं आज इसीलिए आया हूँ। बड़े ठाकुर मान गए, मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर रहा हूँ। कब? आज और इसी वक्त। मगर शादी की तो कोई तैयारी नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं, शादी मेरी इनकी हो रही है। मैं किसी मंदिर में जाकर शादी कर लूंगा, मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया है। उठो रंजना। मैं भी चलूं? नहीं, ये सब काम चुपचाप हो जाने दो, शादी की जो खुशी करनी है बाद में कर लेंगे। उठो रंजना, चलो उठो। आटक नहीं, उठो। यहाँ तो कोई मंदिर दिखाई नहीं देता। 10 कदम चलो, मंदिर आ जाएगा। लेकिन ये जगह तो बिल्कुल सुनसान मालूम होती है। ऐसे काम के लिए ऐसी ही जगह चाहिए, किसी को पता भी नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कुमारी रंजना, तुम पर ठाकुर बलबीर सिंह के खून का मुकदमा चलाया गया था। सरकारी वकील की रिपोर्ट और गवाहों का बयान सुनने के बाद ये अदालत ताज़ीराते हिंद की दफा 304A (b) कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में तुम्हें गुनेगार ठहराती है और तुम्हें 7 साल की सख्त सजा देती है। रंजना जी, इस बच्चे का क्या करना? जो जी चाहे। मैं तुम्हारी हालत को समझता हूँ, तुम्हें इससे नफरत हो गई है, फिर भी ये तुम्हारा बच्चा है, इसकी तरफ एक नजर तो देखो। इसका बाप जो भी था, जैसा भी था, लेकिन इसकी माँ तुम हो। मैं इसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, इसे कभी मेरे सामने न लाना। तू फिर इसे कहाँ ले जाए? कहीं भी। इसका बाप मर चुका है, समझ लेना इसकी माँ भी मर गई। फिर इसे अनाथ आश्रम भेज दे। कहीं भी भेज दीजिए, ये उनकी आखिरी निशानी मेरे पास है। ये उनकी आखिरी निशानी, इसे भी ले जाओ। मैं कई बीते दिनों की हर याद को अपने दिल से भुला देना चाहती हूँ। ले जाओ इसे, ले जाओ।
ये बच्चा हमें पसंद है। क्यों सर? हाँ, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, दफ्तर में चले और कार्रवाई पूरी कर लीजिए। आइए जैन साहब, आइए बैठिए। कहिए, कोई बच्चा पसंद आया? जी हाँ। कौन सा बच्चा? नंबर 3 रंजना जी का। ठीक है, वो तो बहुत छोटा है, कुछ ही दिनों का है। हमें इतना छोटा बच्चा ही चाहिए, बड़े होकर उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं होगा, समझेगा कि हम ही उसके असली माँ बाप हैं। लेकिन उसकी माँ जिंदा है और इसी जेल में है। इसमें बच्चे का क्या दोष है? हमें मालूम है, वो जेल ही में तो होगी, ये जेल ही का तो अनाथ आश्रम है। ठीक है, आपको ये लॉकेट साथ ले जाना पड़ेगा। बच्चे की माँ की शर्त है कि ये लॉकेट हमेशा बच्चे के साथ रहे। ले लो लॉकेट, इसमें हर्ज की कौन सी बात है? लीजिए। थैंक यू, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। बेटे, पेड़ काटना मजदूरों का काम है, रईसों का नहीं। बोला, तुमने रोका क्यों नहीं? साहब, हमने तो बहुत रोका, मगर छोटे साहब ना माने। अच्छा चलो, काम खत्म करो और अंदर आ जाओ। अजी सुनती हो? अजी सुनती हो? बोला तुमने? क्या? बाबा को दाखला मिल गया है उसी स्कूल में यहाँ मैं पढ़ा करता था, और बड़ा होकर भी वो उन्हीं कॉलेज में जाएगा यहाँ मैं गया था, हिंदुस्तान में भी और विलायत में भी। मम्मी, मम्मी, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। इसे इतनी जल्दी स्कूल भेजेंगे? ये तो भी बहुत छोटा है। कब तक सीने से लगाए रहोगी? 6 बरस का तो हो गया, लोग तो 2 ही बरस की उम्र में भेजना शुरू कर देते हैं। छोटे सरकार, तुम तो जा रहे हो, अब मैं क्या करूँगा? तुम भी स्कूल जाना। नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत मार पड़ती है, मैं तो यहीं रहूँगा। अच्छा अच्छा, देखो ज्यादा चावल मत खाना वरना और मोटे हो जाओगे। अच्छा बोलो।
और अंजना बैठ। मुझे खुशी है तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। क्या तुम अभी तक इसी बात पर अड़ी हो कि अपने गांव वापस नहीं जाओगी? नहीं, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, सिवा बदनामी के मेरे लिए वहां रखा ही क्या है। ठीक है, जैसे तुम चाहती थी, तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन वो जगह है बहुत दूर, एकदम जंगल है, बस्ती से बहुत दूर। बस्ती से जितना दूर हो उतना ही अच्छा है। मेरे ठेकेदार दोस्त की बीवी मर गई है, एक बच्ची को जन्म देकर उस बच्ची की परवरिश करनी है, क्या तुम कर सकोगी? करूंगी। ठीक है, मैंने तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दिया है। ये खत मेरे उस ठेकेदार दोस्त के नाम। तकलीफ तो जरूर हुई होगी। जी। वो तकलीफ इसके सामने कुछ भी नहीं जो तुम्हें यहाँ होगी। ये जंगल है, यहाँ की जिंदगी बहुत सख्त है, बर्दाश्त कर सकोगी? क्यों नहीं, जेल की जिंदगी ने मुझे सख्त बना दिया है। फिर भी तुम औरत हो, और औरत के लिए इतना सख्त होना शायद मुश्किल है जितना यहाँ रहने के लिए होना चाहिए। आपकी बच्चे की देखभाल करना काम तो यही है ना, इसके लिए सख्त होने की क्या जरूरत है? बच्चे की देखभाल करना है मगर कहाँ, इस जंगल में जहाँ हर आदमी खुद मुख्तार है, अपना मालिक आप, यहाँ कानून ये है। पापा एक कॉल है। ये तुम्हारी बुआ है, आज से तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरे पास आओगी ना? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। सीमा? हाँ। जाओ बेटा, इन्हें अपना कमरा दिखा दो। चल दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ से। नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे? झगड़ा करना है, एक एक को जिंदा गाड़ दूंगा। गोली लगी, जैन के आदमियों से फिर लड़ाई हो गई। जाओ जाकर फौरन किसी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। डॉक्टर तो यहाँ से 60 मील दूर है, जब तक वो आएगा शायद मैं जिंदा न रहूं। नहीं नहीं, ऐसा आप मत कहिए। कमजोर औरत की तरह बात मत करो, ये लड़ाई मेरे साथ खत्म नहीं हो गई, मेरी बच्ची अभी है। किसकी हिम्मत है जो सीमा की तरफ आंख उठा कर देखे? मेरे को क्या हो गया? मैं उसकी जान ले लूंगी। ये जंगल जो आज
जैन के कब्जे में है, कभी मेरे बाप दादा उसके मालिक थे। जैन के बाप ने इस जंगल धोखे से ले लिए। हमारी ये लड़ाई 100 साल पुरानी। मुझे दुख है कि चलिए चलिए, ट्रेन का वक्त हो गया है। भोला जी भाई, अच्छा था। चल चल चलिए। अटेंशन प्लीज, वो आगे आ जाए। Ethiopian Airlines announces the departure of their flight number 709. अरे भला तुम? छोटे साहब, आप तो जब गए थे इतने से थे, अभी इतने लंबे हो गए और तुम इतने मोटे हो गए हो। कहा था चावल मत खाना। क्या करूं छोटे साहब, चावल न खाऊं तो ऐसा लगता है खाना ही नहीं खाया। अरे तुम बहुत ही अच्छे मौके पे आए हो। आज अपनी प्लांटर्स क्लब की सिल्वर जुबली है, हमें फौरन वहां जाना है। चलो चलो। अरे जल्दी कर यार, बी क्विक, गेट अवे फ्रॉम हियर। अरे यार जैन, तुम्हारा लड़का मुझे बहुत पसंद है। मेरी कोई लड़की होती जरूर से उसकी शादी कर देता। Enjoy yourself, my son. My friend for the last 30 years. Come on, have a drink. अरे लड़कियों की तरह क्या शर्मा रहे? Come on, cheer. Hello. Oh, hello, Mr. Saxena. Hey, इनसे मिलो भाई. How did you? आप हैं मिस्टर सक्सेना, यहाँ के कॉफी किंग। इस इलाके में सबसे ज्यादा कॉफी के बाग आप ही के हैं। और आप हैं मिसेस सक्सेना, इनके बगैर यहाँ की कोई पार्टी नहीं हो सकती। और अगर हो जाए तो ये दावा कर देंगे। बेटे, तुमने रीता का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, सुबह आप ही जिक्र कर रहे थे। वो इन्हीं की बेटी है, इकलौती बेटी, और तुम्हारी तरह बहुत दिन यूरोप में रही। इंग्लिश डांस की ट्रेनिंग के लिए गई थी। बताओ जी, कहाँ कहाँ गई थी हमारी रीटा? रीटा बहुत जगह गई थी, मेरे पास लिखा हुआ है। क्यों जी, क्या हर बात लिस्ट निकालते रहोगे? अभी तक ज़बानी याद नहीं हुआ। लंदन, पेरिस, स्पेन। और यहाँ आकर उसने एक डांस स्कूल खोला है, और आज रात को इस क्लब में उसका डांस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारा डांस स्कूल आज का आइटम पेश करता है, नाच ए दिल गाय ए दिल है, इसी का नाम जिंदगी। दुनिया के गमों का इलाज यही है कि इन्हें खुशी में डुबो दिया जाए। नाचे दिल का ए दिल है इसी का नाम जिंदगी, नाचे दिल का ए दिल है इसी का नाम जिंदगी, नाचे दिल का ए दिल है इसी का नाम जिंदगी, नाचे दिल। तू जहाँ भी चल, हंसता
दिल जाए दिल है इसी का नाम जिंदगी नाचे दिल जानकर तुम जानती हो जरूर लेकिन इन्हें नहीं जानती ये है मेरा बेटा अजय really? You were wonderful. Please sit down. Oh, thank you. बेटा ये भी तुम्हारी तरह बहुत दिन यूरोप में रहे अच्छा हाँ. कहाँ थे आप जी वैसे तो सारा यूरोप देखा है पर ज्यादा देर कनाडा में था मिसेस जैन मे आई हैव द प्लेजर ऑफ दिस डांस क्या है अच्छा अच्छा क्या आपको डांस का शौक नहीं है जी मैं बाहर डांस सीखने नहीं प्लांटेशन की ट्रेनिंग लेने गया था मेरा मतलब है आप डांस नहीं करते करता हूँ कभी कभी तो फिर आज की रात कभी मैं शामिल हो जाए जरूर हो जाए क्या आप झूठ भी बोलते हैं क्यों आप तो कहते थे डांस नहीं करते डांस तो बहुत अच्छे करते हैं आप खूबसूरत लड़कियों के सामने कभी सच नहीं बोलना चाहिए क्यों इसलिए कि उनसे सच बोलकर आदमी मुश्किल में पड़ जाता है कैसे देखिए ना अगर मैं आपसे कह दूं कि आप बहुत हसीन हैं तो आप मेरे सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर देंगे कहकर तो देखिए अब आपने मुझे दूसरी मुश्किल में डाल दिया बहुत आसान पसंद होना भी अच्छी बात नहीं मैं आपकी बात पर गौर करूंगा फिर हम दोनों मिलकर क्यों ना गौर करें जल्दी कल का दिन बहुत अच्छा बोले चाय लाया हूँ साहब गधा कहीं का ये कोई चाय का वक्त है कितने मुंह धरे उठा दिया जाओ चाय नहीं चाहिए ऐसा गधा नौकर मिला है कुछ नहीं समझता बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि 7 बजे चिड़ियों और कौवे उठने का वक्त होता है आदमियों का नहीं तुम ढोलक है मैं यहाँ हूँ साहब
ये भोला भी मेरे ही पल्ले पड़ा था। इतने सवेरे सवेरे तैयार होकर तुम कहाँ जा रहे हो? जंगल में स्टेट देखने। स्टेट देखने? अरे क्या रखा है स्टेट? क्यों? अभी स्टेट के बारे में मुझे तुमसे बहुत कुछ डिस्कस करना है। पिछले कुछ सालों से जंगल के बिजनेस में हमें नफे की बजाय नुकसान हो रहा है। वजह? वजह एक औरत है, यहाँ के लोग उसे रानी माँ कहते हैं। उसका जंगल अपने जंगल के साथ में ही है, न जाने वो अपना बिजनेस कैसे मैनेज करती है कि लोग उसकी लकड़ी को हमारी लकड़ी की बजाय ज्यादा पसंद करते हैं और उसका माल बिक जाता है और हमें घाटे में अपना माल बेचना पड़ता है। इसलिए मैं बराबर सोचता रहता हूँ कि इस जंगल को बेचकर रुपया किसी और बिजनेस में लगा दूं। डैडी, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे कनाडा क्यों भेजा? उस वक्त मेरा जंगल बेचने का इरादा नहीं था बेटे, और मुकाबले भी इतना सख्त नहीं था। डैडी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूंगा, मुकाबले के अलावा उसकी जिम्मेदारी आप पर भी है, क्योंकि आपने स्टेट पे ध्यान नहीं दिया होगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि स्टेट बेच दो। नहीं, पहले एक बार अपनी आंख से मुझे स्टेट की हालत देख लेने दीजिए। हालत देखने के लिए वहां जाने की जरूरत क्या है? आदमी रख छोड़े हैं। जाने दीजिए ना डैडी, बगैर इत्तला दिए वहां जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। इस तरह स्टेट की असली हालत मुझे मालूम पड़ जाएगी और फिर शाम तक तो वापस आ ही रहा हूँ। इसमें रही सवारी कोई बात नहीं, आज जा। सुनो बेटा, अकेले मत जाओ, भोला को साथ ले जाओ। अब भोला की कोई जरूरत नहीं माँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने सुना नहीं माँ से मैंने क्या कहा था? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मुझे तो जरूरत है स्टेट जाने की, ले चलिए ना साहब। भोला, तुम पहले स्टेट जाओ, मैं बाद में आता हूँ। क्यों साहब? अरे देखो, स्टेट की असली हालत मालूम करने के लिए हम दोनों का एक साथ जाना ठीक नहीं। तो वहां जाकर किसी भी तरीके से मेरा रहने का बंदोबस्त करो और देखो किसी को मालूम ना पड़े कि मैं स्टेट का लड़का हूँ। वहाँ आपके रहने का बंदोबस्त मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे कोई तरकीब लड़ाओ ना। अच्छा, मगर आप आएंगे कब? इतने वर्षों के बाद आया हूँ, इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ लेते हुए आता हूँ। पैदल तुम चलो। अच्छा, बादल बादल झूम के चल, जमीन को झूम के चल। ए बादल झूम के चल, जमीन को झूम के चल। मौसम महका महका है, दिल बहका बहका जाए। ए बादल झूम के चल, जमीन को झूम के चल। मौसम महका महका है, दिल बहका बहका जाए। ए बादल झूम के चल, चल 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 चल। क्या रंग रंगीली वादी है, ये धूप चमकती चांदी है। क्या रंग रंगीली वादी है, ये धूप चमकती चांदी है। इस अपने वतन से, ओ इस अपने चमन से, एक प्रीत की डोरी बांधी है। हाये बादल झूम के चल, जमीन को झूम के चल। मौसम महका महका है, दिल बहका बहका जाए। ऐ बादल झूम के चल, चल 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 चल।
झोंका जो हवा का आता है, खुशबू को चुरा कर लाता है। झोंका जो हवा का आता है, खुशबू को चुरा कर लाता है। तितली भी डोले वो भंवरा भी बोले, झरना भी तराने गाता है। हाय बादल झूम के चल, जमीन को झूम के चल, मौसम महका महका है, दिल बहका बहका जाए। ए बादल झूम के चल, चल 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 चल। पहुंचू, क्या अपने बाप के बगीचे में गाना गा रहा है? किधर जाता है? काला हम पूछता है, तुम इधर कहां जाता है? पूछता है कि पूछती हूँ? पूछता है। तो मैं बताती हूँ, मेरा गधा खो गया, उसको ढूंढने जा रही हूँ। गधा इस जंगल में नहीं होता, वो उधर मिलता है, जैन के जंगल में। तो यहाँ कौन सा जानवर पाया जाता है? तेरा जैसा। हसमत बोल, इधर कहाँ जाता था? क्या काम है? हम क्लीनर है मोटर का, काम ढूंढने जाता है। तुम क्लीनर है? हाँ। गाड़ी ठीक कर सकता है? हुँ? चलो चलो, देखो मेरी गाड़ी को क्या हो गया, चलता नहीं है। आपका गाड़ी बंद हो गया। पहुंचू, वो तो हम भी जानता है, तुम गाड़ी ठीक कर सकता है या नहीं? अरे ठीक तो मैं हर किस्म की मशीन कर सकता हूँ, ये तो मोटर है। अगर तुम्हारे कल पुर्जे बिगड़ जाएं, तो उन्हें भी ठीक कर दूं। हाथ काबू में, मोटर ठीक कराना है। हाँ, चलो जल्दी करो। देखता है। डंडा दो। तुम्हारा नाम क्या है? जंतर मंतर। ये आदमी का नाम है बिल्डिंग का। तेरा नाम क्या है? रमेश, भोला का भांजा। ये आदमी का नाम है या पूरे गांव का? ऐसा ही है जैसा जंतर मंतर। लो जंतर मंतर, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। स्टार्ट करके देखिए कैसी भागेगी गाड़ी। और जंतर मंतर, मेरा इनाम। रमेश भोले का भांजा, इनाम चाहिए? हाथ बढ़ाओ, ले लो। ओए, तुम क्या समझते हो कि मैं आसमान से टपका था? मेरे भी नाती गोती हैं, ये मेरी बहन का लड़का है, इसे जरूर कोई काम देना। क्या काम कर सकता है? जो तुम दोगे वही करेगा। लो ये आ गया, मैनेजर साहब हैं, इनको सलाम करो। पहले कहाँ था? शहर में। क्या मुसीबत है, अबे ये शहरी चूहे जंगल में बनने क्यों आ रहे हैं? इसे जंगल बहुत पसंद है, मैंने बड़े साहब से इसके बारे में कहा था तो उन्होंने कहा कि मैनेजर को बोलो इसे कहीं काम पर लगा देंगे। तो यूं क्यों नहीं कहता कि सेठ की सिफारिश लेकर आया है? जंगल काट सकता है? जरूर। अभी कह रहा है दो दिन में हवा बिगड़ जाएगी। ठहर। ओ सुंदरी, क्या है मैनेजर जी? देखिए नया रंग रूट आया है, भोला का भांजा है, इसे कोई केबल दिखा दे और लगे हाथ मजदूरों से ही मिलवा दे। अच्छा। जा भोला, तू भी क्या याद करेगा कि मैंने तेरा काम नहीं किया था। सुंदरी, तेरे पाँव में मोच तो नहीं आई? मेरे पाँव में मोच आई तो तेरे को क्या? अरे मेरे दिल में ठेस लगती है। हाँ।
साहब, यही है वो मेरी जरूरत सुंदरी। अच्छा, और ये कौन है? ये कबाब में हड्डी सुंदर चोर है साला। अरे चोर तू, तेरा बाप। तू जा अपना काम कर, मैं इस नए रंगरोट को इसका केबिन दिखाती हूँ। मैनेजर साहब ने कहा है, चल। जाता हूँ। ए भोला के भांजे, चल। शादी हो गई तेरी? अभी नहीं। जा देख, ये है तेरा केबिन। छी 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 छी, ये तो बहुत गंदा है। तो क्या राजा का बेटा है, राज करने आया है, मजदूरी करने आया है, मजदूरी? तो क्या यहाँ सब मजदूरों के केबिन ऐसे गंदे हैं? गंदा है, साफ है, यही है। देखा कैसी तीखी बातें करती है, इसी पर तो मर मिटा हूं। यहाँ तो मालूम होता है कि सब की सब ऐसी है। मुझे भी रास्ते में एक मिली थी। अच्छा, कैसी थी वो? ये लंबे लंबे बाल माथे पे बिखरे हुए, मुंह पे कीचड़, मर्दाना कपड़े, कोई अजीब सी चीज थी। अरे बाप रे, वो तो दुश्मन है हमारी। कौन है? अरे भतीजी है, रानी माँ की। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ रानी माँ। इसे भूख लगी होगी ना, इसलिए इसने चोरी की। हाँ रानी माँ, इसलिए इसने चोरी की। अब ये चोरी नहीं करेगा रानी माँ, इसे माफ कर दो रानी। तुम लोग जानवर हो, बार बार समझाने पर भी नहीं मानते। तुम्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए। चलो। आइंदा से अगर कोई भी ऐसी गलती करे तो उसे मेरे सामने न लाया जाए, खुद ही आपस में निपट लेना, समझे? जो हुक्म हो रानी मां। तुम जाओ। आ गई। ए, फिर से उठो, तुम ठीक से गिरा नहीं। चलो टिकी बनो, चलो। हाँ हाँ, हम ऐसा रोज मारेगा। क्यों मम्मी, ठीक है कि नहीं? आखिर कब तक तुम्हें बचपना करती रहोगी? उसमें क्या हुआ, वो हमारा नौकर है। नौकर है वो तो ठीक है, मगर ये तुम्हारी हरकतें तो बच्चों जैसी है। अब तुम बड़ी हो चुकी हो। सच्ची, हम बड़ा हो गया है। देखो, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, ये सब काम तुम्हें संभालना चाहिए, समझे? वो हम संभालेगा, उसमें करने का क्या है? हंटर मारने का है ना, वो हमको हंटर मारने को आता है। हाँ सुनो, और सब ये इस तरह के कपड़े पहनना छोड़ दो। मैंने जो तुम्हारे लिए लड़की के कपड़े बनवाए हैं, उसे कब पहनोगी? आखिर एक दिन तुम्हें शादी करनी है। हम शादी वादी नहीं करेगा, हम उस छोकरे को भी हंटर से मारेगा। अच्छा अच्छा, देखो इस तरह तुम्हारा घूमना फिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ थी इतनी देर? हम आता था ना, हमारा जीप खराब हो गया, वो भोला का भांजा है ना, उसने हमारा जीप ठीक कर दिया। भोला का भांजा? हाँ। वो तो जैन का नौकर है। हाँ हाँ वही। सुनो, वो हमारा दुश्मन है, उसके साथ मिलना जुलना बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए हमने उसको ये बख्शिश दिया। ऐसा फटाक से मारा ना कि उसका हाथ भी अभी तक सूज गया होगा। बहुत अच्छा किया। अरे तुम आज भी नहीं नहाए क्या? अभी तो नहाया था, अभी दो महीना भी नहीं हुआ। देखो इसी वक्त जाकर नहा लो। नहीं नहीं, आज हम नहीं नहाएगा। चंपा मालती, ले जाओ उसे पकड़ के। नहीं नहीं, आज हम नहीं नहाएगा। नहीं नहाएगा, हम आज नहीं नहाएगा। चलो जाओ जाओ। नहीं नहीं, हम नहीं नहाएगा। देखो कैसे नहीं नहाएगा, ले जाओ उसे। Thank you.
साहब खटिया चाय बेड टी। साहब खटिए पर रात अच्छी तो कटी, मच्छरों ने ज्यादा सताया तो नहीं? खूब सताया, तुमको नहीं सताते? मैंने तो मच्छरों से दोस्ती कर ली है। यहाँ पे कोई काम क्यों नहीं करता? यहाँ पे कोई काम वाम नहीं करता क्या बाबू? यहाँ काम करने से पैसे नहीं मिलते, काम ना करने से पैसे मिलते हैं। चल चल। और जिसने किए काम उसको भी लग धक्के, और जिसने की मौज उसको भी लग चक्के। मतलब ये बाबू कि यहाँ 6 रुपए रोज मिलते हैं, और मैनेजर साहब बोलते हैं कि अगर रोज पेड़ काटे तो जंगल खाली हो। चलो चल चल चल। तो क्या मैनेजर साहब ने पेड़ काटने को मना किया है? मगर ये तो मालिक के साथ बेईमानी है। अरे बाबू बेईमानी और ईमानदारी के जिक्र में मत पड़ो, पैसा लाओ और जाओ ऐश करो। चल देख रहा यार तू, बंदे चलना। चल तू बोलो क्या कर रहे हैं यार ये मार। क्या कर रहे हो? अरे कहीं कलाई में मोच ना आ जाए। सहरी बाबू आपने तो कमाल ही कर दिया। चुबे, तेरे बाप का पेड़ था जो काट डाला? हाँ मेरे बाप का पेड़ था, इसलिए काटा। जलील कमीने, एक दिन पेट भर के रोटी मिली तो दिमाग खराब हो गया। छोटे सरकार, अरे ये तो तेरा भांजा है। अरे भांजा भांजा कुछ नहीं, ये तो अजय बाबू है, अपने मालिक है। मालिक? हाँ हाँ। फिर तेरी शक्ल इस इलाके में देखी तो जान से मार दूंगा। पाया से
मंगलू दादा, मंगलू दादा, मंगलू दादा, क्या है रे बिरजू, क्यों चिल्लाता है? क्या माँ मर गई है? मरी नहीं तो मर जाएगी। मंगलू दादा को उठाओ। मंगलू, मंगलू, ओ मंगलू, उठ, बिरजू आया है। है? इतना सवेरे सवेरे? सवेरे नहीं, 2 बजे है दादा। अबे तो 2 बजे तक सो रहा क्या मरा उल्लू के पट्टे? सो फिर लेना दादा, बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरी नौकरी छूट गई। हाँ जा जा तू। अबे हमारी लगवाई नौकरी कैसे छूट गई? दादा वो श्वेत का छोकरा आ गया, मैं समझा साले भोला का भतीजा है, वो हुक्म चलाने लगा, मैं लड़ पड़ा। भोला कौन? श्वेत का नौकर। छोकरा कौन? अजय। दादा तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तुमने मुझे नौकर रखा था कि सेठ का नुकसान करता रहूं, वहां से मेरी तब छुट्टी हो गई, अब ये काम कौन करेगा? चलो रानी माँ के पास चलते हैं। रानी माँ मैं तो आपका गुलाम हूँ, जैसा आपने हुक्म दिया वैसा मैंने किया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? रानी माँ अब इसके लिए क्या हुक्म है? आज से हमारे पास काम करेगा और जैन के लड़के को भी हम देख लेंगे। रानी माँ वो हमारे सामने चूहा है चूहा, हम उसे मार मार के जंगल से भगा देंगे। अरे उसका बाप हमारे सामने नहीं टिका तो ये क्या टिकेगा? ठीक है, आज से इसे अपना काम समझा दो। जो चलो चलो। तो काफी लकड़ी बह जाती होगी। जी हाँ, लेकिन इसी तरह से सदियों से लकड़ी पकड़ी जाती है साहब। तो बहुत ही पुराना तरीका है, यहाँ से एक तार की जाली बांधने से सारा माल इकट्ठा हो सकता है। और अगर अरे क्या हुआ? क्या हुआ? चल 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 ये साले मंगलू का ही काम है, हमेशा हमारे काम बिगाड़ता रहता है। साहब ये तो रोज की बात है, अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो उसे बता दें। इसे जल्दी से पट्टी बांधो, दवाई लगाओ। दवाई भाई किसने देखी है साहब, हमारे घाव तो पानी से भर जाते हैं। आज से ऐसा नहीं होगा। बच गया साला। चलो इधर नहीं। क्या ओ विकी, पहचाना नहीं? ओ अजय कब आए तुम, कब आए? यही बस 2-4 दिन हुए। तुम आजकल क्या कर रहे हो? पिताजी ने मुझे वकील बना दिया, लेकिन करता कुछ भी नहीं हूँ, कोई गिरह नहीं फंसता। ये लो मेरा कार्ड, कोई गिरह फंस जाए तो मेरे पास भेज देना, 25% कमीशन दूंगा। कमीशन उमीशन समझे? थैंक यू। देखो मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है, लेकिन मैं अंदर जा रहा था कि बाहर जा रहा था? तुम बाहर जा रहे थे। थैंक यू, ये छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ। ओके सी यू। आइए सब आइए, क्या चाहिए आपको? तुम्हारी दुकान में कंबल कितने हैं? जितने आपको चाहिए। मुझे करीब 200 कंबल चाहिए। 200 कंबल? क्या हुआ? देखिए साहब, हम लोग रिटेल का धंधा करते हैं, दुकानदार को माल नहीं बेचते। अरे भाई बेचने के लिए नहीं, मजदूरों को बांटने के लिए चाहिए। मजदूरों को बांटने के लिए? 200 कंबल मजदूरों को बांटने? आप पहले आदमी है तो मजदूरों को इतने कंबल बांट रहे हैं? वो भी हमारी तरह इंसान है। बात तो सही है, जैसे आपकी मर्जी भाई। 200 कंबल बांट दो। और सब क्या चाहिए? और 200 आदमी के लिए कुछ दवाइयां, साबुन और तेल। तो ये सब इतने सामान आप अभी ले जाएंगे? नहीं अभी नहीं, तुम इनको पैक करवा के जैन स्टेट भेज दो, शाम को पैसे मिल जाएंगे। अच्छा जैन स्टेट, मैं जल्दी करो जल्दी फटाफट मारो।
बाबू, आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता। अरे तू तो क्लीनर था, ये गाड़ी किसका मार दिया? जी आप मेरे लिए बहुत भाग्यवान साबित हुई, क्लीनर से ड्राइवर बन गया, तरक्की हो गई। ड्राइवर हो गया तो रोज एक्सीडेंट करेगा। मैं तेरा लाइसेंस छिनवा दूंगा। क्या नाम बताया था? हाँ, रमेश भोला का भांजा। जी नहीं, सुरेश भोला का चाचा। साला झूठ बोलता है, रमेश भोला का भांजा कहा था। माफ कीजिए, आपके सुनने में गलती हो गई। ऐ चुप, ज्यादा बकबक किया तो झा पड़ देगा। चल फुट यहाँ से। क्या? दो दिन दो रात हो गए, अब तो तूने कुछ फैसला किया होगा। हाँ, फैसला तो कर लिया है। तूने फैसला जरूर मेरे लिए किया होगा। तेरे लिए किया है? ना तेरे लिए किया है ना तेरे लिए। फैसला किया है जो सबसे ज्यादा होशियार होगा उसके लिए। तुझसे ज्यादा होशियार मैं हूँ। अरे तुझसे चार गुना होशियार तो मैं हूँ। वो कैसे? वो कैसे? अरे मैं साबित कर सकता हूँ कि तू यहाँ नहीं है। फिर मैं कहाँ हूँ? तू कहीं भी है, लगी 10 रुपए की। हाँ लगी। निकाल निकाल। हाँ, ये सुन सुन, तू मनाली में है? नहीं। शिमले में है? नहीं। दिल्ली में है? नहीं। जब तू मनाली में नहीं, शिमले में नहीं, दिल्ली में नहीं, तो कहीं और जगह है। हाँ, हाँ। और जब तू और जगह है तो यहाँ भी नहीं है, निकाल 10 रुपए। अरे वारे सुंदर, तू तो बड़ा होशियार निकला। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो करो ना। तू शिमला में है? नहीं। कुल्लू में है? नहीं। दिल्ली में है? नहीं। नहीं तो तू शिमला में नहीं, कुल्लू में नहीं, दिल्ली में नहीं, तो फिर और कहीं है। हाँ, मैं कहीं और जगह हूँ। अगर तू और कहीं है तो तू यहाँ नहीं। जब मैं कहीं और जगह हूँ तो ये नोट भी यहाँ नहीं है। अच्छा तो मैं तुझे मजा चखाता हूँ। अरे जा मजा चखाता हूँ, हिसाब तो आता नहीं। मेम साहब, आंखें हैं कि बटन, दिखाई नहीं देता? देखिए गाड़ी चलाना आपके बस का रोग नहीं है, ठेला चलाइए ठेला। क्या बकता है खोचू, हम तुमसे गाड़ी अच्छा चलाता है। इसलिए मेरी गाड़ी में टक्कर मारी ना। तो तुमने बचाया क्यों नहीं लंबू कहीं के? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। था ना गाड़ी चलाना तुम्हारे बस का रोग नहीं है, ठेला चला ठेला ठेला। सोचू ये सब तेरी वजह से हुआ है। चल घर छोड़ दो। आए अरे आओ ना। आए आओ ना। नाए। अरे ठेला चलाओ रे, ठेला चलाओ तेरा ठेला मेरी जीत, आज मिलेंगे दोनों मीत।
ठेला चलाओ। रुको, रुको, हमारा घर आ गया। ऐ मेम साहब। क्या है? गणेश का ये एहसान मत भूलना। गणेश? कौन गणेश? मैं। तुम तो सुरेश है, भोला का चाचा। अरे आपको सुनने में शायद फिर गलती हो गई, मैं गणेश हूँ, भोला का काका। घोंचू, याद रखना आज का बदला जरूर लेगा। नहीं नहीं रानी माँ, हम हमेशा जूते से काम लेते आए हैं और इसी तरह काम लेते रहेंगे। मजदूर को जूते के नीचे रखो तो ठीक काम करता है और सर पे बिठा लो तो हरामी बन करता है साला। आ गई, आ गई, आ गई। अच्छा तो तुम क्या कह रहे थे? हाँ रानी माँ, ये तो दो दिन की बहार है, कोई मजदूर को दुगनी पगार नहीं दे सकता। जिस दिन हमारे सारे मजदूर टूट कर अजय के पास पहुंच जाएंगे वो दुगनी पगार देना बंद कर देगा। ये तो एक तरकीब है, कोई मजदूर को ज्यादा पैसे देकर धंधा नहीं कर सकता। और आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम उस अजय के बच्चे को गोली क्यों नहीं मार दिया? हम देखा नहीं, हम देखा ना, ढेचू ढेचू साफ कर देता। तुम अपने नाजुक हाथों में क्यों तकलीफ देती? तुम तो एक फूल हो, फूलों की तरह रहो। मंगलो। हाँ, मेरा मतलब है ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं खादिम हूँ, नौकर हूँ आपका। और रानी माँ, आप अजय की बिल्कुल फिक्र ना करना, मैं उसकी टांग पर टांग रखकर चीर डालूंगा। हाँ, अच्छा, राम राम, राम राम। चलो अंदर। चलो। बोलो अजय बाबू की जय। अजय बाबू की जय। अजय बाबू की जय। नारे लगाने से कुछ नहीं होता, ये लीडरों के लिए छोड़ दो, काम करने से काम होता है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, हम सब बहुत खुश हैं। हमारे पास अच्छे मकान हैं, कपड़े हैं, अच्छे कंबल हैं, मजदूरी भी अच्छी मिलती है, और हमें क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि जितना तुम लोगों को मिल रहा है उससे भी ज्यादा मिले, मगर इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि नीलाम सर पे आ गया है और 3 दिन के अंदर अंदर शुरू होने वाला है और हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। क्या हम लोग 3 दिन के अंदर अंदर तैयार हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं, हम दिन रात काम करेंगे और माल तैयार करेंगे। तो चलो, चलो! ए, ए! मेहनत हमारा जीवन, हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, हमारा नारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा जीवन। एक हाथ क्या करेगा, सौ हाथ हो न जब तक एक हाथ क्या करेगा। गर हम जिए अकेले कुछ काम ना बनेगा, कुछ काम ना बनेगा। मेहनत से जो भी हारा वो जिंदगी से हारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा जीवन। कर ले जो हम खिला दे, पत्थर पे गुल खिला दे। कर ले जो हम गिरा दे, पत्थर पे गुल खिला दे। हिम्मत है दिल में इतनी,
आकाश को झुका दे, आकाश को झुका दे, अपने ही बाजुओं का लेते हैं हम सहारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा, मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा, मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा जीवन। उसका फल मिलेगा, जितनी करोगे मेहनत हाँ उसका फल मिलेगा, निखरेगा देश अपना आगे जभी बढ़ेगा, आगे जभी बढ़ेगा, होगा ना कोई भूखा होगा हसी नजारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा, मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत से जगमगा लो तकदीर का सितारा, मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा जीवन। बोलो 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 बोलो, खुली बोली खुली बोली, लकड़ी का नंबर दस बाई दस का तीरा, जल्दी बोलो, दुकान बना मकान बना, सुख बना बंदूक बना, जहाज बना गाड़ी बना, भाई बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 5000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 3000, 3000, 3000, बहुत सस्ते में जा रहा माल, 10000 का माल, 3000, 3000, 3000, 3000, इतना माल 3000 में? सरकार 3000 में कटाई किराई का दाम भी नहीं निकलता, मंगलू ने इतना माल सस्ते कैसे दे दिया? और अब यार टस्टा बोल है, बोली बोलो बोली बोलो बोली बोलो, खुली बोली खुली बोली, 7000, 7000, 6500, 6500, 6000, 5500, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, बहुत सस्ते में आया, इतना अच्छा माल बोलो खरीद लिया, ये भी का सब 8-10 का माल सिर्फ 5000 में, इतना सस्ता कैसे बेच रहे हैं? ये साला मंगलू कमीना बंद कर रहा है, देख लूंगा इन लोगों का माल कैसे बिकता है, भगा के रख दूंगा सालों को लकड़ मंडी से। अरे जंगल बेच के भागना पड़ेगा दादा। हाँ। अबे मंगलू के बच्चे तेरे साथ पुरखे भी नहीं भगा सकते हम लोगों को इस बाजार से। अबे जा, देख लिया तेरा माल धरा का धरा रह गया, सड़ा के रख दूंगा सारे माल को, साले साले सड़ेगा तेरा बाप, ए बाप पे नाम लेता है आराम का, दे एक एक का सर तोड़ दूंगा। लड़ाई और मोहब्बत में सब चलता है, ईमानदारी बेईमानी कोई चीज नहीं, पर दांव सीधा पड़ना चाहिए, हमें जीतना था हम जीत गए। इसका मतलब है इस मुकाबले में तुमने जरूर कोई चालाकी की होगी। इसमें चालाकी क्या, अपना माल तो था ही नहीं, जैन के जंगल से मारा हुआ माल था, और जैन है अपना दुश्मन, उसी का माल सस्ते दामों बेचकर उसे मार्केट से भगा दिया। अब इसे ईमानदारी कहिए, चालाकी कहिए, या बेईमानी समझ। ठीक है, तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, जाओ।
मेरा ख्याल था आपने पहचान लिया होगा। तुम अंदर कैसे आए? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर आपके आदमी हमारे जंगल से हमारी लकड़ी चुराने की हिम्मत कर सकते हैं तो क्या मैं आपके घर में नहीं आ सकता? जैन साहब के शहजादे, निकल जाओ यहाँ से। मुस्तफा, देखिए रानी माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। एक तो आपने हमारा माल चोरी करवाया और फिर उसे सस्ता बिकवाकर हमें नुकसान पहुंचाया, ये आपको शोभा नहीं देता। आपको मुझे ईमानदारी सिखाने आए हो? तुम्हें मालूम नहीं कि मोहब्बत और जंग में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जीत जरूरी होती है। जंग की जगह अगर आप हमारी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको नुकसान नहीं होगा। दुश्मन की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाना बेवकूफी है। जिस जंगल के मालिक तुम और तुम्हारे बाप है, ये कभी हमारे बुजुर्गों का था, जिसे तुम्हारे दादा ने बदमाशी और बेईमानी से छीन लिया। हम उसे वापस लेकर रहेंगे। बड़ों ने जो पाप किया था उसकी सजा आप छोटों को क्यों देती हैं? अगर आपके गुनाहों की सजा मैं आपकी बेटी को दूं, क्या यह ठीक होगा? मैं बहस करना नहीं चाहती, मेरा बस एक ही जवाब है। तुम लोग हमारे दुश्मन हो और रहोगे। मुस्तफा, ले जाओ इसे। मैं आपसे फिर कहता हूं कि हम आपके दुश्मन नहीं, और मुझे यकीन है कि एक दिन आप हमारी तरफ दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाएंगे। रानी माँ, रानी माँ, कल रात को अपने घर में अजय आया था। हाँ, और आपने हमें बुलाया क्यों नहीं? क्यों, तुमको क्यों बुलाती? लो, आप बोलते हैं क्यों? आप हमें बुलाते और बोलते ये है अजय, फिर हमारे बंदूक का निशाना देखते। अच्छा रानी माँ, एक गोली, सिर्फ एक गोली, आँख बंद करके साले को मारता, जमीन पर लंबा लंबा लेट जाता और सीधा नरक में घासले डालकर जला दिया जाता। लेकिन सीमा, ये सब काम के लिए मैं तुम्हें क्यों बुलाती? ये लोग सब मर गए हैं क्या? ये लोग सब बाद में, पहले हम है हम। आप बोलते हैं ना हम काम नहीं करता, हम आपको अपने हाथ का सफाई दिखाना चाहता है। अच्छा, अब आएगा ना तो मैं तुमको बुलाऊंगी। आएगा कैसे आएगा, हम अभी बंदूक लेकर जाता है और साले को कहीं से भी ढूंढ कर निकालता है। सीमा, तुम ये बंदूक लेके कहाँ घूम रही हो? हम वो अजय के बच्चे को ढूंढ रहा है, तुम जानते हो उसको? हाँ जानता हूँ, मैं उसका ड्राइवर हूँ। ड्राइवर था, अभी से दाग हूँ। उसको दिखाओ हमें। दिखाओ? कैसे दिखाओ, वो दिन को तो निकलता ही नहीं, सिर्फ रात को निकलता है। इसका मतलब है वो डरपोक है। डरपोक है? अरे रात को तो शेर और चीते निकलते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं। तुम इतनी बातें बनाते हो, तुम चीज क्या हो? मैं बिरजू, भोला का मामा। मामा, ये तीसरी दफा नाम बदला, ठीक ठीक बताओ नहीं तो गोली मार दूंगा। एक दो, अब बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। गोविंद, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तुम अब भी झूठ बोलता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम खुद पता लगा लेगा कि तुम कौन है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Come and sit down. तुम अंदर कैसे आ गए? कौन हो तुम? आप ही ने तो अंग्रेजी में कहा come in, तो मैं अंदर आ गया। मैंने कहा था? हाँ। कहा होगा, है छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ। बताओ क्या काम है? इसको पढ़ लीजिए। ओ, तुम्हें अजय ने भेजा? वेरी गुड वेरी गुड। क्या मुकदमा है? आपका मुंह काला हो गया।
क्या बकते हो? जी हाँ, मेरा मतलब है आपके मुंह में स्याही लगी है। यहाँ? नहीं नहीं, वहाँ नहीं। यहाँ? नहीं, वहाँ भी नहीं, ऊपर। नहीं नहीं, ऊपर और थोड़ा दाहिनी तरफ। नहीं, वहाँ भी नहीं, नीचे। खैर जाने दीजिए। ठीक है, जाने दो। बताओ केस क्या है? सुंदर बड़ा हरामी है। सुंदर कौन? सुंदर को नहीं जानते? नहीं। चमेली सुंदर को जानती है। चमेली कौन? चमेली को भी नहीं जानते? फिर तो आपको कुछ भी नहीं मालूम। क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब ये है कि चमेली बहुत खूबसूरत है। मगर है कौन? उसी को लेकर तो सब झगड़ा है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ, पूरा केस सुनाइए। चमेली मुझ पर मरती है, सुंदर बीच में हरामीपन करता है, उसने मेरे 10 रुपए भी मार लिए। वो इस चक्कर में है कि चमेली की नजरों में मैं बेइज्जत हो जाऊं। मैं उसे मजा चखाना चाहता हूं। हम चमेली को बंद करवा देंगे। चमेली को नहीं, सुंदर को। छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूं। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? जी भोला शंकर। भोला शंकर। सुंदर का नाम बताइए। सुंदर का नाम सुंदरलाल। यस यस, सुंदरलाल। आप बैठिए, मैं अभी नोटिस टाइप करवा देता हूं। नोटिस टाइप करना है, क्विक नोटिस टाइप करना है, जल्दी करो, क्लाइंट इज वेटिंग। हाँ, भोला शंकर वर्सेस सुंदरलाल। भोला बी। हाँ, एच। तुम इतना कर दो, बाकी के मैं बाद में डिक्टेट करता हूं। शिव शंकर जी, आप? शिव शंकर नहीं, भोला शंकर। ये छोटी छोटी बातें हैं। भोला शंकर जी, आप इत्मीनान से वापस चले जाइए, ये नोटिस सुंदरलाल के हाथ में पहुंच जाएगी। आपकी फीस? जी फीस मैं मुकदमा जीतने के बाद लूंगा। आइए, मैं आपको छोड़ दूं। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, सुंदरलाल को जैसे मेरी नोटिस मिल जाएगी उसके तो चक्के छूट जाएंगे। कहाँ बंद कर दिया? ये छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ। यहाँ से जी। अच्छा। यहाँ से नहीं, दरवाजा ही है। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। तुम कहां से टपकी? जहां से सब टपकते हैं। क्या हमको देखकर घबरा गया? घबरा गया तुमको देखकर? तुम क्या हुआ हो जो मुझे खा जाओगी? हम तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करके जंगली जानवर को खिला देगा। क्यों, जंगली जानवरों को आजकल खाना नहीं मिलता? आज तुम्हारा नाम क्या है? वही जो कल था, गोविंद। सच सच बताओ, आज तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद। बोलो। सच बताओ? हाँ। बताओ? हाँ। बताओ? जान लिया मेरा नाम? अब बोलो गोविंद की जय जय। अब बोलना गोविंद की जय जय। गोविंद की जय जय बोलना अब। हाँ, आगे। Thank you.
लगाने को जी चाहता है तो मैं तुम्हें सजा देती हूँ। सुंदरी सुंदरी क्या है? देख भोला का बच्चा तुझे मुझसे हल करना चाहता है। वो कैसे? अरे देख मुझे वकील का नोटिस भेज दिया। वकील की नोटिस? हाँ। तो फिर जरूर तू खराब आदमी है। अरे मैं खराब कैसे हो गया? वकील की नोटिस तो अच्छे आदमियों को नहीं आती। अरे मगर मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मुझसे नहीं बात करना। सुंदरी 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 सुना। अरे अरे भोला भोला के बच्चे को मैं समझ लूंगा। सुंदरी भोला। अरे भाई खेल तमाशे वाले यहाँ कोई वकील वकील रहता है? क्यों? मुकदमेबाजी करनी है। लेकिन वो वकील मूछ मुंडों का केस नहीं लेता, मर्दों का लेता है। मेरे तो मूछ भी नहीं है। अब क्या मैं लेता हूँ मूछ? लगा के चले जाओ, निकालो चार रुपए। लो लो अभी लो। क्या बड़ी बात है, लाओ भाई लाओ। और सुनो जब भी वहाँ जाओगे मूछ लगा के जाना, वरना धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। बड़ी मेहरबानी। वो सामने सामने। हाँ बड़ी मेहरबानी यार। फंस गया उल्लू। जी हम तुम हम तुम क्या बोलते हैं? हाँ हम तुम्हारा ग्राहक है। तुम वकील है ना? वकील? ओ यू आर अ क्लाइंट। ओ उधर सोता है। कौन तुम? क्या है? नोटिस आया है। नोटिस आया तो मैं क्या करूँ? आप वकील है ना? वकील? आ, मैं वकील हूँ। मैंने केस करना है। केस करना है? यहाँ क्या हम फालतू बैठे हुए हैं? कोई काम नहीं है क्या हमको? यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए क्या? और केस नहीं है मेरे पास? अच्छा जी, तो मैं किसी दूसरे वकील के पास जाता हूँ। आ जाइए। अच्छा जाता हूँ। देखिए आप आगे हैं तो बैठ जाइए। अच्छा प्लीज बैठ जाइए। कहिए क्या केस है? जी भोला शंकर ने मुझे नोटिस देकर एक सुंदरी की नजरों में बदनाम किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका नाम क्या है? सुंदर। सुंदर, और सुंदरी आपकी बहन? जी हाँ। अरे नहीं, नहीं, नहीं। तो उस सुंदरी का नाम चमेली है। ओहो चमेली जी। हेला ये नोटिस दीजिए। ये नोटिस है, काफी लंबी नोटिस दी हुई है। बड़ा बदमाश वकील लगता है ये। लेकिन सुंदरलाल जी आप मत। सुंदरलाल जी? हाँ जी सुंदरलाल जी, आप मत डरिए, हम उसको नोटिस देके उसका शीट टू शीट कर देंगे, तुम समझे? हाँ जी। उसका नाम क्या है बताइए? भोला शंकर। भोला शंकर जी। आप इतने नाम से बैठिए, मैं अभी उसकी नोटिस टाइप करवाता हूँ, यू छुट्टी कर। बहुत अच्छा जी। वो भी क्या याद करेगा कि क्या नोटिस मिली थी उसको? छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ। नोटिस टाइप करने का, क्विक कम ऑन। सुंदरलाल वर्सेस भोला शंकर। सुंदरलाल यू इतना टाइप करो, बाद में बताता हूँ। कम ऑन। हाँ जी भोला शंकर जी। भोला शंकर जी, सुंदरलाल। ओए सुंदरलाल जी, आप इत्मीनान से चले जाइए, इस नोटिस का जवाब उसको पहुंचाएगा। आपकी फीस? मुकदमा जीतने के बाद। मुकदमा हार गए तो? 10 रुपया लाइए। देखो भाई, लड़की तो हमें पसंद है, पर आप लोगों को लड़का तो पसंद है ना? अजी लड़का तो हमें देखने से पहले ही पसंद है। क्यों जी? हाँ हाँ, देखने से पहले ही पसंद है। हमारी पसंद से क्या होगा, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद तो कर ले। भाई लड़की की तरफ से तो हम कह सकते हैं रीटा को अजय पसंद है। और अजय की तरफ से मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसको रीटा पसंद है, इसलिए कि मुझे पसंद है। तो फिर बात पक्की है। फिर भी अजय को आ जाने दीजिए, पूछ लेते हैं। अजी वो भी तो बात पक्की ही करने गए हैं। पक्की बात है, जब से मजदूरों की जरूरतें पूरी होने लगी हैं, काम और भी अच्छा होने लगा है। तो फिर तुम शहर क्यों नहीं चले आते? इसके अलावा और भी काम बाकी है। क्या बाकी है? आ जाओ ना, पार्टीज क्लब सोशल लाइफ,
तुम्हारे बगैर बहुत सोनी लगती है। आ जाऊंगा मगर जब तक स्टेट की हालत बिल्कुल ठीक ना हो जाए मेरा शहर में सेटल होना मुश्किल है। तुम्हें तो सोशल लीडर बनना चाहिए, कभी इस मजदूर का भी तो सोचा है? डर गई? क्या कर रही है? क्यों बे घोंचू, पहचाना नहीं? हंसता क्या है? ये सब क्या है? क्यों, कपड़े हैं? कपड़े तो है मगर तुमने कब से पहनना शुरू कर दिया? वो जब तुम पानी में डूबे हुए थे ना तब से। ओह, तब से? क्यों, अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। मगर तुम अजय के जंगल में अकेली घूम रही हो, तुमको डर नहीं लगता? उस डरपोक से कौन डरता है, हम तो सिर्फ तुमको ढूंढ रहा था। तुमने कपड़े तो बदल लिए मगर जबान नहीं बदली। हाँ? मतलब अंदर से नहीं बदली। अंदर से कैसा बदलेगा? मेरा मतलब है लड़कियों जैसी बातचीत, उनकी जैसी चाल ढाल, इस तरह बदलो। फिर तुम हमको बदल डालो। हाँ बदलूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे रोज मिलना पड़ेगा। हम तो आया था। आया था नहीं, आई थी। और मैं यहाँ नहीं था, पूछो कहाँ गया था? कहाँ गया था, कहाँ गए थे?
शहर गया था एक दोस्त से मिलने। कौन दोस्त? रीटा। क्या करता है? करता है नहीं, करती है। लड़की है, बहुत खूबसूरत है, मेरी दोस्त है, बहुत दिनों से मिला नहीं था, सोचा। साला, तुम लड़की को मिले गया था? दोस्त है, खूबसूरत है। तुमको बुरा लगता है? हाँ, हमको बहुत बुरा लगता है। बोलो, अब मिलेगा उसे? नहीं मिलेगा। कल से सिर्फ हमसे मिलेगा, मिलेगा ना? मगर कहाँ? यहीं, जंगल में। चलो उठो। अच्छा, हम जाता है। बाबू आप नहीं जानते, ये मंगलू की रखेल है और मंगलू हमारा दुश्मन है। दुश्मन है तो क्या होगा? इसका मतलब तुम ऐसी नीच हरकत करो, याद रखो, आइंदा ऐसी नीच हरकत की तो खाल उजाड़ दूंगा। आप जाइए। बोलो, हम कैसा लगता है? लगता है नहीं, लगती हूँ। अच्छा बाबा, लगती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है। सच्ची? और जब तुम बिल्कुल बदल जाओगे तो और भी खूबसूरत लगोगे। मगर मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? जब तुम बिल्कुल बदल जाओगी, असली सीमा बन जाओगी, तो मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं अकेला जंगल में भटकूंगा। कभी नहीं, हम दोनों साथ में हटके गए। अगर तुम हमको रोज यहाँ मिलेगा। रोज मिलूंगा, मगर इस बात को किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर अजय बाबू को मालूम हो गया तो। नहीं, नहीं, हम रानी माँ को भी नहीं बताएगा। प्रॉमिस? लाओ हाथ। जब पहले Thank you.
अजय, और कब तक इंतजार कराओगे? मजदूरों का इतना ख्याल है और मेरा कुछ भी नहीं। जल्दी आओ ना, प्लीज कम बैक सून। अब तो मंदिर फौरन हो जाना चाहिए। अंकल, आपने आपने बोला भी नहीं और ऐसे आ गए। तो क्या बोला, अपने घर में कोई कह के थोड़ी आता है। क्यों सेक्शन? बिल्कुल ठीक है। और फिर रीटा तो आपकी बहू हो गई। बेटे आजा, जल्दी ही आ जाएगा। तुम इतनी बेताब क्यों हो रही हो? और अब तो तुम्हें उम्र भर साथ रहना है। क्यों सेक्शन? हाँ हाँ, क्यों रीटा, शादी जल्दी कर दे क्या? ओ डैडी, चुप गई सरजवा।
सुनिए सुनिए, क्या भोला अजय के बचपन के कपड़ों की पेटी ले गया है? तो क्या हुआ, मजदूरों के बच्चों को कपड़े बांटने से इसलिए ले गया? लेकिन उसमें तो वो क्या वो क्या लॉकेट है। लॉकेट? अजय को क्या मालूम कि वो लॉकेट किसका है और उसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब सा है, इसीलिए तो मुझे अच्छा लगता है। लो तुम इसे अपने पास रख लो, मेरे प्यार की निशानी समझकर। सीमा कहाँ भागती जा रही हो? कहीं भी तो नहीं। झूठ, आजकल तुम्हें बहुत फर्क आ गया है। मैं देखती हूँ तुम बिल्कुल बदलती जा रही हो। है कोई बदलने वाला? कौन है वो? है कोई? हमें भी तो दिखा। वक्त आने पर दिखाऊंगी। ये क्या है? कुछ नहीं। ये छिपा क्या रही हो? कुछ भी तो नहीं। कहाँ है वो? कौन? वो सुंदर का बच्चा? तो मुझे क्या पता, मैं कोई उसके पीछे पीछे घूमती हूँ, होगा कहीं यही मुआ। मुझे पता ना क्या काम है। हरामी के पिल्ले ने मुझे नोटिस भेजा है। ओ नो, हाय हाय राम, तेरे को भी नोटिस मिल गया? हाँ। तो फिर तू भी बहुत खराब आदमी है। हाँ? फिर क्या, नोटिस तो लुच्चे लोगों को मिलता है। खजियार में कितना माल है मंगलू? खजियार में रानी माँ कोई 500 नग होगा। और चंबा में? चंबा में जो भी, चंबा में कितना है? सिर्फ 300 नग। सिर्फ 300 नग? लेकिन इतना माल रह कैसे गया? मैंने पूछा इतना माल रह कैसे गया? रानी माँ, वो जैन के बेटे ने चिराई कटाई की मशीनें लगवा ली हैं। लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, आपका एक एक तिनका बिक जाएगा। वो जलंधर अड्डे को 8-10 का माल भिजवाया? हाँ हाँ, आधा भिजवा दिया। आधा बाकी? आधा बाकी है। ये चिराई कटाई वाले कितने बजे आते हैं काम पे? चिराई कटाई वाले कोई 10 बजे। कल से उन्हें 9 बजे बुला लो। अच्छा रानी माँ, रानी माँ एक बात है। क्या बात है? रानी माँ, आप जो भी काम करती हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या मतलब? आपने सीमा को बचपन से लेकर जवानी तक ऐसा संभाल कर रखा है कि हवा भी पास से होकर नहीं गुजरी है। चलो सीमा। मंगलू दादा, अब काहे की देर है? गद्दा अनार पक गए। देर नहीं, लोहा जब सुर्ख हो जाए तभी कूटना चाहिए। क्या मतलब? अबे मतलब दुशहरे का मुकाबला। आज 10 साल से मुकाबला जीतता आया हूँ और रानी माँ से इनाम पाता आया। हाँ। इस बार मुकाबला जीत कर रानी माँ से इनाम के बदले में सीमा का हाथ मांग लूंगा और वो ना नहीं करेगी। हाँ। और फिर चू सीमा के लिए मुझसे अच्छा आदमी और कौन मिल सकता है? मान गए मंगलू दादा। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ मोहब्बत जिंदगी में कितने सुहाने रंग भर देती है। अब मुझे दुनिया की हर चीज रंगीन नजर आने लगी है। क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें। मेरी आंखें? क्यों? और जब भी बात करे उसकी आंखों में देखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि औरत के दिल की बात हमेशा उसकी आंखों में होती है। और मर्द के दिल की बात? उसके दिल में। तो फिर तुम्हारे दिल में देखना ही पड़ेगा। क्या हुआ? अरे तुमने वो डंडा मारा था ना, उसका दर्द अभी तक नहीं गया। झूठे कहेंगे। मोहब्बत में जो चोट लगती है उसका दर्द उम्र भर रहता है। रानी माँ भी यही कह रही थी। हुँ? तुम बिल्कुल बदल गई हो सीमा। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा है कोई बदलने वाला। कौन है वो? रमेश, महेश, गणेश, गोविंद।
रानी माँ से कब मिलोगे? अरे इतनी भी जल्दी क्या, पहले जी भर के प्यार कर लो, दशहरे के मेले में तुम अजय से मिल लेना और मैं रानी माँ से। साल की तरह इस साल भी दशहरे का मुकाबला शुरू होने वाला है। आइए आइए आइए। 10 साल से मुकाबला जीतता आया हूँ, इस साल भी जीत कर रहूंगा। देखता हूँ कौन माई का लाल सामने आता है। मंगलू की तरफ से गूंगा पहलवान लड़ेगा। तुम्हारे पास है कोई मुकाबले के लिए? छोटे साहब आप, अजय बाबू आप, अजय बाबू आप लड़ेंगे। हमारी तरफ से अजय बाबू।
बंदूक लेके जंगल में चली गई। बंदूक लेकर? हाँ, और बहुत गुस्से में थी। जब जाकर देखो कहाँ गई है। जी रानी मां। बेईमान, तूने मेरे साथ धोखा किया है। दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी की। तू रानी मां से बदला लेना चाहता था, इसलिए तूने मुझे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया। मगर याद रख, मैं जितनी मोहब्बत कर सकती हूँ उतनी नफरत भी। मगर मैं सिर्फ मोहब्बत कर सकता हूँ। झूठ झूठ बोलता है तू। तू रानी माँ को नीचा दिखाना चाहता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए तूने प्यार का ढोंग रचाया। अगर मुझे दुश्मनी निकालनी होती या तुमको नीचा दिखाना होता तो मुझे मालूम था कि तुम रानी माँ की पोती हो और मैं तुमसे विश्वासघात कर सकता था। तुम अजय से नफरत करती हो और गोविंद से प्यार। आज तुम्हारे सामने नफरत भी है और प्यार भी। अगर नफरत जैसी बुरी चीज के लिए तुम अपने प्यार को खत्म कर सकती हो तो लो, मेरी जान हाजिर है। मैं अब तेरी बातों में नहीं आऊंगी, मैं आज तुझे खत्म कर दूंगी। मुझे नहीं मार सकती सीमा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मोहब्बत दुनिया की ऐसी नेमत है जिसका कोई बदल नहीं। आओ हम दोनों मिलकर इस नफरत के राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। चलो मैं तुम्हें अपने कैंप ले चलूं। नहीं नहीं, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे साथ देखकर तुमको वो बहुत खुश होंगे। चलो। नमस्ते सीमा जी, पहचाना मुझे आपने? मैं नंदू हूँ। देखा प्यार मोहब्बत का नतीजा, ये लोग कितने सुखी हैं। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मेहमान की खातिर बात नहीं करोगे? भोला शंकर, आपने मेरी तरफ से नोटिस भेजा था। किसको नोटिस भेजा? सुंदर को, आप भूल गए? ये छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आप बर्बाद कैसे हो गए? सुंदर ने मुझे नोटिस भेज दिया। नोटिस भेज दिया? दिखाओ दिखाओ। ये देखिए। बदमाश कहीं का, तू यहाँ भी आ गया, मेरे वकील को तोड़ रहा है, उसे रिश्वत दे रहा है। तुम कौन हो? सुंदरलाल, आप भूल गए? ये छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? अजय, इसकी बहादुरी देखने, बड़ा सुरमा बनता था, मैंने इसे नोटिस दिया तो घबरा कर यहाँ चलाया। तुमने इसे नोटिस दिया? अजय, आपने तो दिया था, आपको याद नहीं? मैंने दिया था, और इसे भी। ये हाँ, आप ही ने तो दिया। हाँ, दिखाओ दिखाओ नोटिस। ये देखिए ये देखिए। ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, ये दोनों नोटिस हमने दे दिया, ये गड़बड़ी कैसे हो गई? छोटी छोटी बातें। ठीक है ठीक है, देखिए मैं चमेली को नोटिस दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसे मत दीजिए, वो बड़ी सुंदर है। सुंदर तो ये है जी, वो बड़ी भोली है। अरे भोला तो ये है, तो फिर वो क्या है? जी वो बहुत कुछ है, आप चलकर देखिए तो। चलकर तो देखना ही पड़ेगा, समझौता कराने के लिए देखना ही पड़ेगा ना। अच्छा लेकिन देखिए, जो भी मैं फैसला करूंगा आप दोनों को मंजूर है? मंजूर है। ठीक है तो हम चलते हैं। देखिए आप दोनों चले जाइए, ये छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ। हम जाते हैं। सुंदरे सुंदरे, क्या है? सुंदरी, यही है वकील साहब, पूछ लो इनसे हम दोनों में कौन शरीफ आदमी है। जरा आइए,
वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, आप तो हमारे लिए आए थे। हाँ। छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ। साले, 10 साल में एक बार मुकाबले में क्या हारा, आंखें ही बदल गईं, माथे पर बल पड़ गए। तू भी आ गया कमीने, जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। बोल, तू भी बोल ले। जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं दादा, तुम्हारे घाव भरने आया हूं। अबे जा जा साले, तू घाव कैसे भरेगा? ऐसे है? है? ये मेरे घाव भरेगा? ये चूहा मेरे कद पे न जाना दादा, देखने में छोटा जरूर हूँ मगर माचिस की तीली हूँ, एक मिनट में लाख घर खाक कर दूंगा। दादा, ये जितना जमीन से ऊपर है उससे दुगना जमीन के नीचे है, समझो सब कष्ट दूर हो गए। लेकिन वो कैसे? ये रानी माँ का वो राज जानता है जो कोई नहीं जानता। अच्छा ये बात है, बैठो 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 बैठो। कल तक जो हमारा दुश्मन था वो आज अचानक तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? हमने उसे समझने में गलती की थी, वो किसी का दुश्मन नहीं है, हम पड़ोसी होकर क्या दोस्त की तरह नहीं रह सकते? सीमा, आखिर उसने हमारा बिगाड़ा क्या है? कुछ नहीं, फिर भी हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं, क्यों? मुझे लगता है उसने जरूर तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है, मैं नहीं जानती थी कि तुम भी। उसने कुछ नहीं किया, मुझसे अपनों जैसा बर्ताव किया। उसके मजदूर कितने खुश हैं, कितना भाईचारा है उनमें, कितना प्रेम है, हमें उसे सीखना चाहिए। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो ठीक है मैं वही कह रही हूँ, जिंदगी इतनी छोटी है कि इंसान पूरी तरह दोस्ती निभा नहीं सकता, दुश्मनी के लिए वक्त कहाँ। अजय की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, वो हमारा दोस्त है। नहीं, वो हमारा दुश्मन था और दुश्मन रहेगा, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहती। जाओ अपने कमरे में। बिरजू, मुस्तफा, हुक्मरानी माँ, जहाँ अजय रहता है वो जगह जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, आपको तो मालूम है वहाँ काम करता था, एक एक चप्पा जानता हूँ। ठीक है, आज रात को हमारे साथ चलना है, जाओ। जी।
आखिरकार ये आज हमारे हाथ आ ही गई। आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज हम इसे बदला लेंगे। हाँ। कोई बदला नहीं लेगा, बदले से कुछ हासिल नहीं होता रानी माँ। क्या मेरी जान लेके ये बदले की आग ठंडी हो जाएगी, ये दुश्मनी मिट जाएगी? चाहिए इस नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए और भूल जाइए इस दुश्मनी को। अरे बाबू ये आप क्या कह रहे हैं, इसने हमारे साथ बेइंसाफी की है, इसने हमारे घर बर्बाद किए हैं, हम गरीबों का खून चूसा है। आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा, ये कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, हम सब अपने दुश्मन हैं, नफरत के गुलाम हैं। इन्हें यहाँ से इज्जत से जाने दो। ये दिखावे की बातें करके तुम हमारी हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते। अगर आज तुम बच भी गए तो कल नहीं बचोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चलो चलिए। रानी माँ, कल रात आप अजय को मारने गई थी, आपको अपनी इन हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए मैं अजय से मोहब्बत करती हूँ। दुश्मन के बेटे से मोहब्बत करना बेवकूफी है। मोहब्बत ने तुम्हारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि तुम्हें बुरे भले की पहचान नहीं रही। तुम अजय की चाल को नहीं जानती, वो तुमसे खेल रहा है। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे अपने बुरे भले की पहचान है। मैं आपको आखिरी बार कहती हूँ, मेरे और अजय के बीच में आने की जरूरत नहीं। ये मेरा मामला है, मैं खुद निपट लूंगी। नहीं, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इन मर्दों को तुम नहीं जानती, मैं जानती हूँ। ये अस्तिन के सांप होते हैं, जब तक मतलब नहीं निकलता खुशामद करते रहते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो औरतों को पहनी हुई जूती की तरह फेंक देते हैं। वो तुम्हें अपना खिलौना बना रहा है। आपकी नफरत ने आपको खिलौना बना रखा है। मैं आपसे अजय को ज्यादा जानती हूँ, उसे चाहती हूँ। आपके सिवा हर आदमी उसे चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, उसकी इज्जत करता है, मगर आप उन हरकतों पर उतर आई है जो बुरे से बुरा आदमी नहीं कर सकता। मैं आज से अपना कारोबार अपने हाथों में लेती हूँ। मुझे आपकी जरूरत नहीं, आप जहां जी चाहे जा सकती है, लेकिन आज से आप इस घर में नहीं रहेंगी। मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। रानी माँ, क्या बात है? रानी माँ, बात बहुत गंभीर है, इजाजत हो तो अर्ज करो। कहो, तुम नशे में हो? ना, मैं नशे में नहीं हूँ रानी माँ। जब थकान जरा ज्यादा हो जाती है तो थोड़ी सी पी लेता हूँ। इस वक्त चले जाओ, जो कुछ कहना कल कहना। रानी माँ, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, क्या मेरी बात सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? अच्छा तो फिर क्या कहना चाहते हो? रानी माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो कर लो, हमसे पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी ये शादी नहीं हो सकती। मतलब? रानी माँ, आपने इतनी दुनिया देखी है कि आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? नहीं। मैं शादी करना चाहता हूँ सीमा। सीमा से? बदतमीज, तेरी ये जुर्रत? ना, रानी माँ ना, कहीं गोली चल गई तो दूसरा खून हो जाएगा। क्या बकते हो? एक खून करके तो 7 साल काट चुकी हो, दूसरा खून करोगी तो सीधी फांसी। बकवास बंद करो। अच्छा, मेरी बात बकवास मालूम हो रही है?
कोई बात नहीं, अपने एक पुराने दोस्त से पूछ लीजिए। आइए महाराज, आइए आइए। पहचाना इसे? नमस्ते करो रानी माँ को। नमस्ते रानी माँ। रानी माँ, मुझे जल्द से जल्द दूल्हा बना दीजिए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलो चलो। तुम्हारे लिए जिंदगी में कुछ नहीं रहा। 20 बरस तक तूने जिसे औलाद की तरह पाला था, आज वो भी तुम्हारे खिलाफ हो गई। जिस राज को छुपाने के लिए तुमने इस घर में पनाह ली थी, वो राज भी अब राज नहीं रहा। अब और क्या रह गया है यहाँ? चली जाओ यहाँ से, दूर, दूर। मैं ये मंगनी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्या खराबी हरिटा में? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अमीर बाप की इकलौती बेटी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी के बाग सक्सेना के पास है। आप क्या मेरी शादी कॉफी के बागों से करना चाहते हैं? मैं तुम्हारी शादी वही करना चाहता हूँ यहाँ करनी चाहिए। लड़की तुम देख चुके हो, उसके साथ घूम चुके हो, डांस कर चुके हो। तुम्हें इस मामले में अंधेरे में नहीं रखा गया। मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो फिर कब करोगे? जब हम 200 साल के हो जाएंगे, इस जहान से उठ जाएंगे, मरकत पहुंच जाएंगे। तुम जबान दे चुके हो, तुमने वादा किया था कि जो मैं कहूंगा तुम इनकार नहीं करोगे। मैं मिस्टर सक्सेना को जबान दे चुका हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझे समाज में क्यों झूठा बनाना चाहते हो। मैं और तुम्हारी माँ कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारे। हमारी भी कोई इज्जत है सोसाइटी में, कोई रुतबा है। ऐसा मालूम होता है कि आप ये शादी मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी जिद पूरी करने के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी जिद पूरी करूंगा, आपकी हर बात पूरी करूंगा। आप मेरे माँ बाप हैं, सक्सेना को जुबान दे चुके हैं, सोसाइटी में उनका रुतबा है। मेरे इनकार करने से आपका रुतबा घट जाएगा। अजय, आप ये शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि रीटा के कॉफी के बाग हैं, उसका बाप करोड़पति है, और उनके अलावा कोई आदमी आपके बराबर का नहीं, आपके रुतबे का नहीं। माया से माया गले मिलना चाहती है, रुतबे से रुतबा शादी करना चाहता है, और इसके लिए आप मेरी कुर्बानी देना चाहते हैं। अजय, ठीक है, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। आपके रुतबे के पास के लिए मैं किसी भी अंधी लंगड़ी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। ठहरो, तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है। मैं अपना सामान लेकर शाम तक वापस आ जाऊंगा। पर तुमने तो कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे शादी करोगे। अगर छोड़कर ही जाना था तो मेरी सोई हुई सीमा को क्यों जगाया? मेरे सोए हुए जज्बात क्यों उभारे? मैं ये मानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें एहसास हुआ कि तुम सीमा हो। एक लड़की जिसके सीने में भी एक मोहब्बत भरा दिल है, और वो और आज उसी को जंगलों में भटकने के लिए छोड़े जा रहे हो। काश मुझे मालूम होता कि तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी, वो तुम्हारे सपने झूठे थे। काश मैं वही सीमा होती। काश मैं तुम्हें अपना दिल दिखा सकता कि आज भी मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपना मालिक खुद नहीं हूं। कुछ ऐसी जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता। मैं क्या कहकर अपने दिल को समझाऊं? क्या समझूं उन वादों को? क्या समझूं उस मोहब्बत को? बोलो, क्या समझूं? समझो कि वो एक अधूरा सपना था। सपने आते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, मगर वक्त हर घाव को भर देता है। सीमा, तुम मुझे कुछ भी समझो, पुस्तिर, कायर, लेकिन मैं मजबूर हूं। Thank you.
किसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला, साथ निभाता दुख सुख में वो यार मिला पर नहीं मिला, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। दिल में है उसकी सूरत आँखों में, उसका जलवा दिल में है, मुझको ऐसा लगता है जैसे वो महफिल में है, रंग बदलती दुनिया में दिलदार मिला पर नहीं मिला, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। खातिर मैंने बात निभाई है इस दुनिया की रीत की खातिर मैंने बात निभाई है, यूं तो हंसता रहता हूँ पर चोट जिगर पर खाई है, चाहत के दौराहे पर गम खार मिला पर नहीं मिला, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। किस्मत का तुमसे शिकवा कोई नहीं, खेल है सारा किस्मत का, एक अधूरा अफसाना होगा पूरा उल्फत का, दामन का हाथों को सौ बार मिला पर नहीं मिला, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला, साथ निभाता दुख सुख में वो यार मिला पर नहीं मिला। रानी माँ मुझे छोड़कर मत जाओ,
आपने ठीक ही कहा था, मर्द औरतों को अपनी चूती के बराबर समझते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सीमा, सीमा, साहब, कोई साहब आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आए हैं इतनी रात को? मल्होत्रा जी, आप कब आए? आज ही आया, कुछ 3 घंटे हुए। नमस्ते जी। ना कोई तार ना कोई खत, ऐसी प्रोग्राम बन गया। तशरीफ रखिए। नौकर भी बिल्कुल बुद्धू है, उसने फोन कर दिया होता आप पार्टी में आ जाते। आप सीधा पार्टी में आ जाते? बिन बुलाए मेहमान किसी के पार्टी में कैसे आ जाता? अपनी रीटा की मंगनी हुई, उसी की पार्टी थी। बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ हुई मंगनी? जैन साहब के बेटे के साथ, जैन स्टेट के मालिक। जैन स्टेट के मालिक, मिस्टर रामप्रसाद जैन? जी हाँ, उनके बेटे अजय से आप जानते हो न? जी हाँ, मेरी जाती वाकफियत तो नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि करीब 20 साल पहले जब मैं डिब्रूगढ़ जेल में था, हमारे यहाँ एक बच्चा गोद लेने आए थे। उनका तो एक लौता बेटा है अजय। आप लोगों को मालूम नहीं था? नहीं तो। मल्होत्रा जी, आपको अच्छी तरह से याद है कि मिस्टर रामप्रसाद जैन ही बच्चा गोद लेने आए थे। मल्होत्रा जी, आप चुप क्यों हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि क्या बात है? यह हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। बताइए ना मल्होत्रा जी। अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं तो मैं कहूंगा कि जैन साहब हमारी जेल में एक बच्चा गोद लेने आए थे। जो बच्चा उन्होंने पसंद किया था, उसकी माँ रंजना हमारे यहाँ 7 साल की कैद काट रही थी, एक कत्ल के जुर्म में। और अजीब इत्तेफाक है कि सजा काटने के बाद मैंने ही उसे नौकरी दिलवाई, वहीं जैन साहब के एस्टेट के पास जो दूसरी एस्टेट है। अब लोग उसे रानी माँ के नाम से पुकारते हैं। जेल साहब, मैं ही अजय हूं। क्या जैन साहब ने मुझे गोद लिया था? हाँ। रानी माँ क्या मेरी सगी माँ है? हाँ। रानी माँ मेरी सगी माँ? रानी माँ मेरी सगी माँ? मत रो सीमा, तुम्हारे लिए तो पूरी उम्र बाकी पड़ी है, तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। लेकिन हाँ, हमें मंगलू से बच के रहना पड़ेगा। क्यों? मैं बताता, मंगलू अब सारी जायदाद का मालिक बनने वाला है, सीमा के साथ शादी करने वाला है। क्या बकते हो सीमा? ठीक ही बकता है, पूछ लीजिए रानी माँ से। दादा, क्या हुक्म? कबीले, तू भी इसके साथ है? मुस्तफा, तुम काली माँ के मंदिर चले जाओ और पुजारी को ढूंढो। कल सुबह सूर्य निकलने से पहले पहले मेरी शादी होनी चाहिए। चल। अरे बंद कर अपना जबड़ा, अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। किसकी शादी होकर रहेगी? ए शब्बो, तू यहाँ क्या कर रही है? कमीने जलील, जब मैं 14 बरस की थी, तूने मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था शादी करूंगा,
मेरी सारी जवानी बर्बाद करके अब तू इस शरीफ लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? अरे तेरे जैसे तो कई आई और चली गई। मगर मैं जाने वाली नहीं, बड़ी पक्की हूँ। देखता हूँ तू कैसे शादी करता है। देखो निकल गई। अरे छोड़, छोड़ गई। अरे छोड़ मुझे, छोड़ना। अरे चल। दोस्तों, तुम मुझे नमक हराम समझते थे, आज मैं उसी नमक कहाँ कदा करने आया हूँ। जिस औरत की हमें बरसों तलाश थी, आज हम एक जंगल में है। अजय बाबू यहाँ पर नहीं है, तू कोई और चाल चलने के लिए आया? अरे ये साला क्या चाल चलेगा, इस वक्त ये हमारे इलाके में है। तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो ना ये तुम्हारे हवाले है। बिच्छू ले जा इनको शराब से और चले जा यहाँ से। अरे चला कहाँ जाएगा, आज ही तो इसने भलाई का काम किया है। नंदू, अगर अजय बाबू को मालूम हो गया तो क्या कहेंगे? अरे कहाँ है अजय बाबू यहाँ पर? नंदू, अरे भूल गए तुम लोग, इसी रानी माँ की वजह से कितने आदमी मारे गए। क्या तुम लोग ये भी भूल गए जो हम पर कोहरे बरसाए थे? क्या भूल गए हो तुम लोग? नंदू ठीक ही तो कह रहा है। हाँ, हम ये कैसे भूल सकते हैं जो हम पर कोहरे बरसाए थे? हेलो, हेलो। वही जेलर जिससे आपने मुझे गोद लिया था, वो सक्सेना साहब के घर पे है। बताइए आपने मुझे उसे गोद लिया था कि नहीं? लिया था तो क्या हुआ, तुम मेरा खून न सही, लेकिन मैंने अपनी सारी ममता तुम पर निछावर की है, अपनी सारी मोहब्बत तुम्हें दी है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मगर आपने ये हकीकत मुझसे क्यों छुपाई कि मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ? और आज आज मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरी असली माँ और दूसरी तरफ आप लोगों का प्यार। मुझे छोटे सरकार जल्दी चलिए, कैंप में बड़ी धमाल मची है, नंदू ने रानी माँ को पकड़ लिया। बोला तुम सीधा सक्सेना साहब के घर जाओ, वहां जले साहब होंगे, उनको लेकर फ्रंट स्टेट पहुंचो। अच्छा साहब। तुम मेरी माँ हो रानी माँ। तुम्हारी माँ? रंजना, रंजना पहचाना मुझे? मैं जेलर हूं, जेलर साहब, पहचाने इसे? ये तुम्हारा बेटा है, वही बच्चा जिसे तुम कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। जैन साहब ने इसे गोद लिया था। मेरा बेटा?
ये मेरा बेटा? हाँ माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा सगा बेटा। देखा माँ, आज नफरत की आग के शोले तुम्हें अपनी लपेट में ले लेते। मैंने तुमसे हमेशा कहा था माँ। अच्छी बात है, मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रही, अपने खून से। तुम ठीक कहते थे, नफरत से बढ़कर बुरी कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। माँ। अजय, मेरा बेटा। अजय बाबू, अजय बाबू, अजय बाबू। मंगलू सीमा दी से जबरदस्ती शादी कर रहा है, वो उन्हें काली माँ के मंदिर ले गया है। कुछ भी करके सीमा को बचा लो, जाओ बेटा। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या करूँ? जाओ ना, काली माँ के मंदिर में तुम भी पहुँच जाओ। कैसे जाओ? गाड़ी लेके जाओ, सबसे पहले पहुँच जाओ और किसी भी तरह से शादी रुकवा दो। कैसे रुकवाओ? कुछ भी बोलो कि मंगलू खूनी है, चोर है, डाकू है, कुछ भी करके ये शादी रुकवा दो, जाओ ना। अच्छा जाता हूँ। कुछ भी बोलो कि मंगलू खूनी है, चोर है, डाकू है, कुछ भी करके ये शादी रुकवा दो, जाओ ना। ये शादी रोक दो, इस आदमी ने खून किया है। हाँ? ये मंगलू है, इस आदमी ने खून किया है। ये तो कोई और है, ये मंगलू नहीं है। मारो इसको, मारो, 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 मारो। उधर जाओ, तुम लोग उधर जाओ। छोड़ दो मुझे, बचाओ। सीमा, we
शादी रोक दो, इस आदमी ने खून किया है। मेरी शादी तो हो चुकी विकी। छोटी छोटी बातें मैं भूल जाता हूँ। Thank you.